हेलो गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का एंजल किचन एंड डेकोरेशन मटेरियल चैनल के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बनाया है बिहार का फेमस लिट्टी चोखा। तो चलिए देखते हैं मैंने कैसे बनाया है इतनी टेस्टी लिट्टी। लिट्टी बनाने के लिए मैंने ले लिया है 100 ग्राम के करीब सत्तू, और उसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे हरी मिर्च बारीक कट की हुई, थोड़ा सा डालेंगे जिंजर यानी अदरक, वो भी बारीक कट कर लिया था मैंने। लहसुन की कलियाँ डालेंगे 10 से 15 बारीक कट किया हुआ। एक मीडियम साइज़ का प्याज मैंने कट किया था, उसे भी डाल लेंगे। और डाल लिया है धनिया पत्ता, एक नींबू का रस निचोड़ लेंगे इसमें। और 2 टेबल स्पून डाल लेंगे हम इसमें मस्टर्ड ऑयल, आपकी मर्ज़ी, आप हल्का सा गुनगुना करके भी डाल सकते हैं, बट हमारे बिहार में ऐसे ही डाला जाता है तो मैं ऐसे ही डाल रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेंगे नमक, इसमें मैंने डाला है 1/2 टीस्पून के बराबर। 1/2 टीस्पून डाल लेंगे कनौजी, 1/2 टीस्पून डाल लेंगे अजवाइन, और अगर आपको ज़्यादा तीखा या मसाला खाना पसंद हो तो इसमें अचार का ऑयल डाल सकते हैं आप, मैंने अवॉइड किया है। 10 से 12 काली मिर्च हम डाल लेंगे रोस्टेड, और 2 से 3 चम्मच डाल लेंगे इसमें पानी, ज़्यादा पानी नहीं क्योंकि इसका डो बन जाएगा ज़्यादा पानी डालने पे। एंड सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके एक साइड रख लेंगे। तो ये मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया, अब इसे हम रख देते हैं एक तरफ और इसके लिए डो तैयार करते हैं आटे का। आटे का डो तैयार करने के लिए मैंने आटा ले लिया है 500 ग्राम के करीब, और इसमें डाल लेंगे अजवाइन 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक, 1 टेबल स्पून जाएगा इसमें रिफाइंड ऑयल। तो इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने, अब इसका डो तैयार करेंगे हार्ड, क्योंकि सॉफ्ट डो तैयार करने पे लिट्टी कच्ची रह जाती है, इसलिए इसका डो थोड़ा हार्ड तैयार किया जाता है। और डो तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है 1 गिलास पानी, और इससे धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा डाल के हम इसका डो तैयार करेंगे। थोड़ा सा और पानी डालेंगे हम, तो 1 गिलास पानी डाल लिया मैंने, अब इसी में इसे अच्छी तरह से मिक्स करके इसका डो तैयार कर लिया। सो गाइज, आटे का डो मैंने तैयार कर लिया, और इसे हम रख देंगे थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि आप देख सकते हैं ये बहुत हार्ड है, क्योंकि लिट्टी वाला आटा ऐसे ही होता है। सो गाइज, लिट्टी बनाने के लिए मैंने एक साइज़ के बॉल बना लिए हैं। मैंने जो आटे का डो बनाया था उसका ये एक साइज़ का सारा बॉल तैयार कर लिया है, और इसे हम चिकना कर लेंगे ऐसे गोल गोल बना के, फिर ऐसे बाउल जैसा तैयार करेंगे, अंगूठे के बीच में रख के और सारी उंगलियों से इसे गोल शेप देंगे, और इसके अंदर अपने अकॉर्डिंग, ऐसे तो सिंपली 1 चम्मच के करीब, 1 चम्मच ही डाला जाता है, इनफ है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मसाले वाला लिट्टी पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। और इसको अंदर की तरफ पुश करके ऐसे, और दूसरे वाले फिंगर से ऐसे ऐसे चिपकाते जाना है। ये ऐसे हो गया, अब इन्हें एक साथ चिपका लिया। ये जो ऊपर आटा निकला, या तो आप इसे ऐसे ही यहाँ पे चिपका सकते हैं, या फिर निकाल दीजिए, और ये हो गई लिट्टी तैयार। ऐसे ही हम सारे बॉल्स में भर लेते हैं सत्तू, फिर पका के दिखाते हैं। सो गाइस, सारे लिट्टी मैंने तैयार कर लिए हैं इसके अंदर सत्तू डाल के, और अब हम तैयार करेंगे उपले से आग, जिस पे हम लिट्टी को पकाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये कैसा है, तो सबसे पहले मैं उपले को तोड़ लेती हूँ गाइस। वीडियो बनाने के लिए मैं सेकेंड बार ये ऐसे लिट्टी बनाने जा रही हूँ, वरना मुझे भी
ये उपले पे बनाना नहीं आता था। बट अभी भी मैं दो या तीन लोगों के लिए ही ये उपले वाला लिट्टी बना सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझसे नहीं बन पाता है। आग को लगाने के लिए सबसे पहले हम छोटे छोटे उपलों का टुकड़ा यूं करके रख देंगे। आपको जैसे भी आता हो आप कर सकते हैं। और क्योंकि मेरे पास मिट्टी तेल नहीं है तो मैं जलाऊंगी प्लास्टिक, और अगर आप प्लास्टिक से नहीं जलाना चाहते तो आप कपूर से जला सकते हैं। क्योंकि इसमें खतरा है, आपके हाथ में चिपक सकता है ये प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक काफी देर तक जलता है तो हम इसके साइड साइड से उपले का टुकड़ा डालते जाएंगे। सो गाइज, आग को तैयार कर लिया है मैंने, तो ये धीरे धीरे मतलब 10 मिनट लगता है इसको तैयार होने में जिस पे हम पकाएंगे। तो इसको मैं बाहर रख देती हूँ क्योंकि मेरे घर में काफ़ी सारा धुआं भर जाने वाला है इससे। सो गाइस, आग हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे हम किसी बड़े लकड़ी से या ऐसा आपके पास कुछ भी करची हो तो उससे आप इसे ऐसे पीट पीट के बराबर कर लीजिए। और इस पे हम डाल देंगे सारी लिट्टियों को। और अब इसे पलटते रहेंगे ताकि ये जले ना। अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो तो आप चिमटे की हेल्प से इसे पलट सकते हैं। सो गाइज, एक तरफ से काफ़ी हद तक ये पक चुका है। और लिट्टी पकने का पहचान ये है कि ये जैसे जैसे पकते जाएगा ना, हर लिट्टी में ऐसे फटने का निशान लगते जाएगा, मतलब लिट्टियाँ फट जाएंगे खुद ब खुद, आपको पता चल जाएगा कि लिट्टी हो चुकी है। और हमारा आग बुझ ना पाए इसलिए हम बीच बीच में पंखा चलते रहेंगे। सो गाइज, काफ़ी हद तक लिट्टियाँ हमारी पक चुकी है, देख सकते हो आप। बस ऐसे ही इसे पलटते रहना है ताकि एक साइड से ज़्यादा जल ना जाए, हर तरफ बराबर ही सेकना है हमें। और जब हर लिट्टियाँ फट जाएंगी तो लिट्टी हो जाएगी। सो गाइस, लिट्टी हमारी अच्छे से पक चुकी है तो अब हम इसे करते हैं साइड में और दूसरा साफ गमला हम ले लिए हैं और इसमें डालेंगे कॉटन का कपड़ा, प्योर कॉटन ही होना चाहिए। तो सारी लिट्टी को हम रख लेंगे इस कपड़े के अंदर और इसे हम चारों तरफ से टाइटली पकड़ लेंगे। और इसे जोर से ऐसे झाड़ देंगे। देख सकते हैं गाइस, ये लिट्टियाँ भी साफ हो गई और सारी की सारी लिट्टियाँ फट चुकी हैं। सो लिट्टी को मैंने तैयार कर लिया है सर्व करने के लिए, तो अब इसको थोड़ा सा ऐसे फाड़ लेंगे घी में अच्छे से डुबो डुबो के। और ये ले लिया मैंने स्पेशल चोखा जो लिट्टी के लिए ही बनाया जाता है। और ले लेंगे सैलड,
आप इसके साथ हरी चटनी ले सकते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लिट्टी ना सिर्फ ताजी नहीं अच्छी लगती, ताजी से भी ज़्यादा टेस्टी ये अगले दिन लगती है। मतलब आपने रात में बनाया, रख दिया और सुबह उठकर खाया, गाइस इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप दही के साथ खा सकते हैं, चाय के साथ खा सकते हैं। सो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मेरी लिट्टी की रेसिपी आपको कैसी लगी, और बना के भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है गाइस। तो प्लीज़ अगर मेरी रेसिपी की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।